अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। राष्ट्रीय एकात्मता अबाधित राहावी, हिंदू मुस्लिम बांधवांमध्ये सद्भावना वाढावी या उदांत हेतूने फत्तेपूर पोलीस स्टेशनच्या वतीने रोजा इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते। या इफ्तार पार्टीला सर्व पोलीस कर्मचारी तसेच हिंदू मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। का प्रोग्राम यहाँ पर रखा हुआ है। इस प्रोग्राम के लिए हमारे अजीज एकनाथ बहुलोखंडे जिनकी तारीफ क्या वो कम, संजय बहुचौधरी इस थाने के अम्बलदार सुरवाड़ जी, अभी अभी पधारे हुए शंकर पाटिल, यहाँ पेट पम्प मेरे अजीज दोस्त सलीम भाई पटेल, हवा पाटिल, मेरे छोटे भाई बिलाल खां और यहाँ पर सब उपस्थित सभी बच्चों पुलिस स्टेशन में हर साल यहाँ पर पर आप आए और इनकी जो आपको न्योता भेजा कि आ जाए यहाँ पर, बहुत बड़ी तादाद में आप आए, बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर मैं सलीम पटेल को यहाँ पर अपना बयान पेश करें यह मैं गुजारिश करता हूँ। सलीम भाई पटेल के मुताबिक इस साल भी अपने यहाँ पर पुलिस स्टेशन की जानेब से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। इसकी सदारत हमारे गाँव के पुलिस पटेल संजय भाई चौधरी, थाने के अमलदार गुरुवाड़ दादा शंकर पाटिल, मुला बोबम बुल्लाखंडे, मेरे दूर सोनार अवैसी राजपूत, राजू भाऊ गणेश देवी और सभी मौजूद रोजेदार भाइयों, रमजान के इस महीने में अक्सर हर जगह पे इस तरह का प्रोग्राम हिंदू भाइयों के जानिब से मुस्लिम भाइयों के लिए किया जाता है। उसका मतलब है कि आपस में भाईचारा हो और ये हिंदुस्तान का कल्चर है, ये संस्कृति है कि यहाँ पर हर समाज के हर जात के लोग खुशहाली से जीते हैं और अपने अपने रिवाजों के मुताबिक अपने त्यौहार मनाते हैं। और इसके साथ ही वो इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय नागरिक हैं, भारतीय संविधान के तहत जो कुछ भी अच्छी चीज़ है उसका हम स्वीकार करेंगे और यहाँ के कायदा
और सुव्यवस्था कैसी बनी रहेंगी उसके लिए कोशिश करेंगे। और इसीलिए खासतौर पर हर साल अपने इस आउटपोस्ट में प्रोजेक्टर पार्टी का आयोजन किया जाता है। इस साल भी बड़ी तादाद में हमारे सभी भाई पुलिस लोगों के दावत को कबूल कर कर यहाँ पर उपस्थित फरमाए उन्होंने और अच्छी तादाद में यहाँ आकर जो एकता का एक रूप दिया इसके लिए मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे दो अल्फाज यहाँ पर समाप्त करता हूँ। इफ्तार पार्टी में हर साल में होती है और यही साल में भी अच्छी तरीके से अपन रोजा इफ्तार पार्टी पेश कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत को बुलाया था लेकिन कोई कार्यक्रम से कोई नहीं आया। जो भी आए उनका सम्मान, सब व्यासपीठ का सम्मान, क्योंकि सलीम भाई ने सब लोग का नाम लिया है, दोबारा तो लेने की ज़रूरत नहीं है। सब सम्मान ये व्यासपीठ आए हुए रोजदार और सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ जिनका रोजा है उनको सलाम करता हूँ। रोजा सबसे बड़ा होता है रमजान में और रमजान में रोजा करने वाले को मैं सबसे पहले सलाम करता हूँ। और ये रोजा ऐसा होता है कि बिना खाना बिना पीना इसके सिवा अपने चलना एक ऐसी ज़िंदगी सिखाता है। और ये ज़िंदगी में सीखना ये रोज़ा रमज़ान के महीने में ही करना सीख से होता है। और ये किया तो मैं पहले से ज़्यादा सलीम भाई के तो एक महीने के रोज़ है उनको भी सलाम करता हूँ। पना है उनके बाद न पना है देवाने असं काही बनवलं नाही आहे की हिंदू आणि मुस्लिम यांचं रक्त वेगळं करा, यांचं अवयव वेगळं करा, यांचं हे सगळं असं काही वेगळं वेगळं असलं पाहिजे असं काही हिंदू आणि मुस्लिममध्ये फरक नाही आहे। हिंदू आणि मुस्लिम एकच आहे, परंतु फक्त आपल्याला आपली प्रार्थना वेगळ्या पद्धतीची असते आणि हिंदूंची प्रार्थना वेगळ्या पद्धतीची असते। हाच एक फरक सोडला तर आपल्यामध्ये कोणताही फरक नाही आहे। तुमचंही रक्त कोणत्या तरी हिंदू बांधवाला मिळतं आणि हिंदूचं रक्त कोणत्या तरी मुस्लिम बांधवाला ॲक्सिडेंटमध्ये मिळतं हे एक मॅच होणार मात्र। म्हणून हा मानवता हा धर्म सगळ्यात महत्त्वाचा। तो गाणं कोणतं आहे वो काम जिएंगे हर कर्म अपना करेंगे हिंदोस्ता तेरे लिए हर वतन तेरे लिए ऐसा वो जो बोलता है तो वो सब आदमी एक ही जैसे रहते हैं और एक जैसे रहने से बहुत बड़ा फायदा उसमें होता है। ये अपन ये रमजान के महीने में सीख सकते हैं। हम भी हमारे मुस्लिम बांधवांसाठी सर्वात पवित्र महिना ह्या महिन्यामध्ये एवढ्या कडाक्याच्या उन्हामध्ये उपवास करणे म्हणजे त्यांच्या भाषेत आपण रोजे म्हणतो, रोजे धरणं हा एवढा काही सोपा प्रश्न नसतो। सकाळच्या पहारी आणि दिवसभर पूर्ण या दिवसामध्ये आपल्याला पाणी भरपूर लागतं, त्या पिरियडमध्ये खेळत एवढा उपवास पवित्र महिना म्हटला तुम्हाला। त्या पवित्र महिन्यामध्ये इतके व्यवस्थित राहून आज त्यांनी आम्ही आमंत्रित केल्यानुसार एवढी उपस्थिती दाखवली याबद्दल मी त्यांचा प्रथम आभार मानतो की त्यांनी आमच्या विनंतीला मान्यता देऊन हजर राहिले। आणि हा कार्यक्रम ठेवण्याचा मागचा उद्देश हाच आहे, आपला हा जो परिसर आहे फतेपूर दूरक्षेत्र हद्दीमध्ये, ह्या दूरक्षेत्र हद्दीमध्ये मुसलमान समाज, तडवी भिल्ल समाज आणि हिंदू समाज असे एकत्र सलोख्याने राहावेत, त्यांच्यामध्ये कोणाही वाद विवाद होऊ नये, मोठ्या संख्येने त्यांच्या उपस्थिती आहेत, त्यामुळे त्यांनी सलोख्याने राहावं हा त्यामागचा उद्देश सर्व। कारण याच्याने काय होतं सर्व प्रश्न सॉल्व होत नसतात, म्हणून मग त्यांनी एकत्र यावं असे व्यासपीठावर येऊन आपले मत मांडावे त्यांच्या समाजासंदर्भात। ना भेटू तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।